नमस्कार, मैं हूँ उत्सवी पांडे और आप देख रहे हैं राजनामा। आज पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या का प्रयास किया गया, इससे जुड़े कई और पहलू भी हमारे सामने आ रहे हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या का प्रयास करने वाले शूटर की पहचान भी हो चुकी है। ट्रंप पर गोली चलाने वाला 20 साल का थॉमस मैथ्यू कुक था। मैथ्यू ने पेंसिल्वेनिया में ट्रंप के भाषण रैली के दौरान गोलियां चलाई थीं, जिसमें से एक गोली ट्रंप के दाहिने कान के ऊपरी हिस्से को छूती हुई गुजर गई थी। इससे ट्रंप का कान खून से लथपथ ज़रूर हो गया, हालांकि वे हमले में बाल बाल बचे। अब हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन है ये थॉमस मैथ्यू कुक। ट्रंप पर गोली चलाने वाला 20 साल का युवक थॉमस मैथ्यू कुक बेथल पार्क पेंसिल्वेनिया का निवासी था। बटलर रैली से लगभग 40 मील दक्षिण में स्थित है यह जगह। घटनास्थल पर एक AR-15 भी बरामद की गई है। क्रुक्स की हालांकि अब मौत हो चुकी है, उनके सिर पर गोली मारी गई थी। कहां बैठकर उन्होंने गोली चलाई थी, अब इस बात पर चर्चा करते हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट के सूत्रों के हवाले से पता चला कि थॉमस मैथ्यू ने 130 गज की दूरी पर स्थित एक विनिर्माण संयंत्र की छत पर बैठकर ट्रंप पर गोली चलाई थी। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर्स ने उसके सिर पर गोली मारी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस ने घटनास्थल से एक AR-15 राइफल बरामद की। US सीक्रेट सर्विस के बयान के अनुसार गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना की जांच जारी है। सूत्रों की माने तो यह भी कहा जा रहा है कि हमलावर रिपब्लिकन पार्टी का ही था। संघीय जांच ब्यूरो ने रविवार को एक बयान में बताया कि थॉमस मैथ्यू क्रुक्स ने मतदाता के रिकॉर्ड के अनुसार क्रुक्स एक रजिस्टर्ड रिपब्लिकन था। बता दें कि ट्रंप भी रिपब्लिकन पार्टी के ही नेता हैं। इस घटना के बाद देश विदेश के कई नेताओं ने इस घटना की आलोचना भी की है और इस पर दुख भी जताया है। मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए राजनामा।